हुकूमत तेलंगाना महकमे सेहत और टिप को काफ़ी अहमियत दे रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ये मानना है कि जब तक अवाम सेहतमंद नहीं रहेंगे उस वक्त तक किसी भी रियासत या मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। इन ख्यालात का इजहार वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली और गोलकुंडा हल्के असेंबली इलाकों में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करने की बात किया। उन्होंने हल्के नामपल्ली के मेहंदीपुरम और कारवान असेंबली हल्के के इलाके गोलकुंडा में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मीराज, कौसर मुहिद्दीन, साबिक मेयर माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर्स और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए बस्तियों में जदीद आलात से लैस दवाखाने कायम किए जा रहे हैं, जिससे उन बस्तियों में रहने वाले आवाम को काफ़ी फायदा पहुँच रहा है। आपने खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट पर काफी तवज्जो हमेशा देते आ रहे हैं और